जो आज के हालात आपको नजर आ रहे हैं, इसके बाद आने वाली तब्दीली क्या होगी, यानी द सीक्वेंस दैट वी आर बेसिकली डिस्कसिंग इज फ्यूचर, मुस्तकबिल। और नेमतुल्लाह शाह के मुताबिक, ये बात हम पिछले प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान के इस खत्ते के मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से एक गैर मामूली कायद नसीब होंगे, जो शाह शेर अली उन्होंने कहा है, यानी अल्लाह के शेरों में से एक शेर होंगे, हजरत अली के शेरों में से, और उनके पास काम करने वाले मुसलमानों की एक टीम आ जाएगी, एक ऐसे गैर मामूली मुसलमान, टेक्नोक्रेट्स, प्रोफेशनल, दिल रखने वाले, निगाह बुलंद, सुखंदल नवाज, ऐसे लोग के जो हालात और वाकयात को तब्दील करके तारीख साज होंगे, किरदार साज होंगे, और उनके आने की वजह से वो जो फॉरेन पॉलिसी मुरतब करेंगे इस मुल्क की। ये बात हैरत अंगेज थी कि नेमतुल्लाह शाह वली ने नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया है कि वो पहले तो नॉर्थ ईस्ट से ताल्लुकात ठीक करेंगे, यानी चाइना के साथ उनके रिलेशनशिप बिल्ड होंगे, उसके बाद वो मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीऑर्गेनाइज करेंगे, यानी वो अफगानिस्तान से लेकर ईरान, सेंट्रल एशिया, तुर्क और अरब वर्ल्ड और एशिया वस्ती में, सेंट्रल एशिया में जाके वो इतनी पेनिट्रेशन करके कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट बनाएंगे मुस्लिम ब्लॉक का कि आने वाले खतरात में ये ब्लॉक इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए आइंदा मददगार होगा। तो हम आज उससे आगे लेके चलेंगे। इसके बाद नेमतुल्लाह, जब ये सारे फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स, जब ये आने वाले, जब ये हुक्मरान और उनके साथ उनकी टीम इस पाकिस्तान के खारजी दिफा के मामलात को मिलिट्री अलायंसेस के जरिए, इकोनॉमिक ब्लॉक्स के जरिए, एक स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट्स के जरिए जब दुरुस्त कर लेंगे, इसके बाद नेमतुल्लाह ये बताते हैं कि एक लोकल, एक लिमिटेड वॉर का वो जिक्र करते हैं कि जो कश्मीर और शुमाली इलाका जात में लड़ी जाएगी। देखिए, कारगिल की जंग जिस तरह हमने लड़ी थी, लेकिन ये जंग इससे ज्यादा बड़े स्केल पे होगी। इसकी बुनियाद झूठ और प्रोपेगेंडे पे होगी, यानी जिस तरह वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की बुनियाद बनाकर इन्होंने इराक के खिलाफ एक जंग की, तो ये जंग की बुनियाद झूठ पे थी। इसी तरह 9/11 की बुनियाद बनाकर इन्होंने अफगानिस्तान पर हमला किया, इसकी बुनियाद भी झूठ पर है, प्रोपेगेंडा था। इसी तरह आइंदा आने वाले वक्तों में ये कोई ऐसी जंग मुसल्लत करेंगे पाकिस्तान के शुमाल में कि जिसकी बुनियाद, यानी ये कि पाकिस्तान के एटमी हथियार जो है वो दुश्मनों के हाथ में चले गए हैं, या पाकिस्तान जो है वो इंडिया में दहशतगर्दी करवा रहा है या कश्मीर में दहशतगर्दी करवा रहा है, कोई डिसेप्शन झूठ ये क्रिएट करेंगे। और ये इलाका बड़ा हैरत अंगेज है जिसका नेमतुल्लाह जिक्र करते हैं कि देखिए, इसराइल का कोई ताल्लुक कश्मीर से नहीं बनता है, बिल्कुल, लेकिन इसराइल का कमांडर इन चीफ पिछले दिनों कश्मीर में होकर गया है, बहुत बड़ी प्रेजेंस है इसराइलियों की जो कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं, और वहां से ये इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एक कलेक्टिव महाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो द कॉमन सेंस ऑल्सो सेज कि आइंदा आने वाले कॉन्फ्लिक्ट में अगर पाकिस्तान का इंडिया से तसादम होता है, तो पाकिस्तान और चाइना का स्ट्रेटेजिक मिलिट्री अलायंसेज हैं, तो चाइना इंडिया के साथ उसी तरह छेड़छाड़ करेगा नॉर्थ में इंडिया की तवज्जो हटाने के लिए, जिस तरह 1962 में चाइना इंडिया की वॉर हिमाचल प्रदेश और नॉर्दर्न रीजन में हुई थी, कि वो इलाके अभी तक चीन के पास है जिन पर इंडिया क्लेम करता है, और वो सारा इलाका जो गिलगित के साथ है, जो कश्मीर में है, जो तिब्बत के साथ मिलता है जाके, ये एरिया वी कैन सी कि ये एक स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल है कि जो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बनता है, और इस इलाके में बड़ी खतरनाक जंगें माजी में हो चुकी हैं। तिब्बत और इशू के ऊपर इंडिया और चाइना का बड़ा अलायंस, एक जंग चल रही है, एक कॉन्फ्रंटेशन है, ऑलरेडी 62 में जंग हो चुकी है हमारी इंडिया के साथ, कई जंगें लाइन ऑफ कंट्रोल पे कश्मीर में, नॉर्दर्न एरियाज में हो चुकी हैं। तो नेमतुल्लाह शाह वली एक आइंदा आने वाली जंग का जिक्र करते हैं कि जो इन शुमाली इलाकाजात में लड़ी जाएगी। कहते हैं कि अचानक मोमिनों के खिलाफ झूठ पर मबनी एक जंग का आगाज किया जाएगा, यानी जिस तरह मुंबई का ड्रामा हुआ और उसके बाद इंडियाज ने एक हमला कर दिया हमारे ऊपर, हमला करने का बहाना किया, मतलब कोई सॉलिड बेस नहीं होगी, झूठ होगा, प्रोपेगेंडा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, डिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, झूठ की बुनियाद पर, लेकिन मुसलमान रेजिस्ट करेंगे, उठ खड़े होंगे, और कहते हैं अल्फाज बाकायदा उन्होंने टेरिटरीज और रीजन का नाम दिया है, कहते हैं चित्राल, नांगा पर्वत, बासीन मुल्क गिलगित, पस मुल्क हाय तिब्बत, गिरंग जंग आना, यानी चित्राल ये नॉर्दर्न रीजन है, बिल्कुल, उसके साथ नांगा पर्वत K2 और कराक्रम हाईवे और वो सारे नॉर्दर्न एरियाज के रीजन, चीन के साथ गिलगित, वो तमाम इलाके जो नॉर्थ में हैं, और तिब्बत का इलाका, ये सारे इलाके एक मैदान जंग बनेंगे। अब देखिए नॉर्दर्न एरियाज, ये सारे नॉर्दर्न एरियाज, अगर आप देखिए कि पाकिस्तान का जो शुमाली इलाका जाता है, गिलगित, हिंदस, कुर्दू, उस इलाके के अंदर इंडिया की बड़ी हैवी पेनिट्रेशन हो रही है आजकल के दौर में, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं उनके इलाके को सेपरेटिस्ट रीजन, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट किया जा रहा है कि उस इलाके को तोड़ के अलग किया जाए। इंडियंस का ऑब्जेक्टिव है कि नॉर्थ से कॉरिडोर काटे अफगानिस्तान तक जाने के लिए, यह सवार शुमाली इलाका जहां से काटा जाता है, क्योंकि वो उनको एक शॉर्ट रूट पड़ता है। सवात में जो आज इंसर्जेंसी और बगावत बरपा थी, वो भी इंडियंस ने इसलिए सपोर्ट करवाई थी कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान का सेंट्रल एरिया जो है
वो पहाड़ी इलाके हमारे कि जिसके नॉर्थ से ये अगर पूरे इलाका पाकिस्तान से कट जाता है तो इंडियंस के लिए आसान होता है कि नॉर्दर्न कॉरिडोर काट सके, कि वखान स्ट्रिप में जाकर चित्राल के रास्ते अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट पे वो पट्टी कि जो चित्राल से गर्म चश्मा से होती हुई बदख्शान के नॉर्थ में वखान की स्ट्रिप है कि जो पाकिस्तान और चाइना और सेंट्रल एशिया को अलग करती है, वो रूट इनको ज्यादा आसान पड़ता है। वो रूट ऐसा बदख्शान में इंडियन प्रेजेंस बहुत ज्यादा है इस वक्त कि जो वहां से चीन के अंदर बगावतें बर्पा करवा रहे हैं, और इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में कश्मीर की तरफ इसराइली नेक्सस जो है, नेटो भी जब अर्थक्वेक और जल्जले के हवाले से मदद करने के लिए इस खत्ते में आई थी तो उसने कश्मीर के उन इलाकों पे बहुत ज्यादा सर्वे किया था और बहुत ज्यादा, बिकॉज ये चाइना की सॉफ्ट वैली बनता है, ये वो इलाका है कि जहां से चाइना फिर आप रडार्स लगा सकते हैं, चाइना की रेडिएशन मॉनिटर कर सकते हैं, उनके फ्लाइट्स को और उनकी मिलिट्री मूव कम्युनिकेशन सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ये इलाके वाकई स्ट्रेटेजिक है और इन तमाम इलाकों पर नेमतुल्ला प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाले जंगों में, आने वाले दिनों में एक धोखे पे मबनी एक जंग मुसल्लत की जाएगी जो इस खत्ते में लड़ी जाएगी। चारों ने नाम ले लिए उन्होंने, वो सार हम आज भी यही देख रहे हैं कि जो एक्चुअल फिजिकली जो कि फोर्स रिपोजिशनिंग हो रही है इस पूरे खत्ते में वो एग्जैक्टली यही है। पाकिस्तान पर अगर कोई दबाव पड़ता है तो इट मेक्स सेंस कि चाइना तिब्बत की तरफ से इंडिया के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई शुरू करे कि इंडिया जो है वो मजबूर हो जाए कि पाकिस्तान पर से प्रेशर रिलीज करे, क्योंकि जो वाकयात बता रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी जंग नहीं होगी बट इट इज गोइंग टू बी अ लोकल वॉर। सही, क्योंकि इसके बाद जो बताते हैं नेमतुल्ला वो ज्यादा वाजे करता है कि फिर होगा क्या। okay. फिर ये होगा, उसके बाद हिंदुस्तान में एक बगावत बर्पा हो जाएगी, एक फसाद बर्पा हो जाएगा और उस फसाद के नतीजे में मुसलमान गाजी ऐलान जंग करके हिंदुस्तान से बराह रास्त तसादुम करेंगे। ओके, सो हियर कम्स द गज़वा, हियर कम्स द एक्चुअल बिगनिंग ऑफ दैट गज़वा हिंद। उससे पहले जो पहले था वो छोटी छोटी जंगें थी, वो इवेंट्स बिल्डअप करेंगे यहां तक पहुंचने और उसमें वो ये कहते हैं कि अब हिंदुस्तान में किस किस्म की शोरश बर्पा होगी। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है सिखों की बगावत बर्पा हो जाए, हो सकता है नक्सलाइट्स और माओइस्ट जो है वो बगावत बर्पा कर दें, इंडिया के पार्लियामेंट पे कोई हमला हो जाए, इंडिया की गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाए, इंडिया के अंदर कोई ऐसी बगावत हो, रेफरेंस हमें यहां नहीं मिलता। उन्होंने कहा है कोई फसाद, बहुत बड़ा फसाद बर्पा होगा, इतनी बड़ी शोरिश होगी कि जिसके नतीजे में पूरा इंडिया केओस और टर्मोइल में चला जाएगा। okay. और उसके नतीजे में जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जो वो पावरफुल ग्रुप्स जो ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, कि जो उस इंडिया के केओस और अनार्की से फायदा उठाएंगे, उसमें मुसलमान भी हैं और नॉन मुस्लिम्स भी हैं। लेकिन यहां पे ये मुसलमानों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मुसलमान एक बगावत बर्पा करेंगे और इंडियन फेडरेशन के खिलाफ एक रेजिस्टेंस गाजियाना जिहादी अंदाज में शुरू हो जाएगी। इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन नेमतुल्लाह की तरफ से आती है, वो ये कहते हैं कि सारे क्राइसिस में अल्लाह का एक खास फजल जाहिर होगा, और खास फजल ये होगा कि एक ऐसा हिंदू बनिया, इन्होंने लफ्ज अगेन बकाल कीना परवर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, कि ऐसा बकाल जो कीना रखता हो मुसलमानों से, उसका नाम गाफ से शुरू होगा और 6 हर्फी होगा, यानी 6 हर्फ होंगे उसके नाम में और गाफ से शुरू होगा, वो मुसलमान हो जाएगा। okay. यानी एक अब अगर आप इंडिया की तारीख में देखिए तो गाफ से जो सबसे मशहूर नाम इंडिया में आपको मिलता है वो गांधी का है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज जस्ट काउंटिंग इन माय माइंड। और गांधी के भी 6 हरूफ बनते हैं। बिल्कुल, तो मोस्ट प्रोबेबली एज द साइंस आर कि गांधी फैमिली में से कोई शख्स, कोई वजूद मुसलमान होगा। अब आजकल तो सिर्फ राहुल बचा है, आई डोंट नो वेदर राहुल विल बी कन्वर्टेड या राहुल के औलादों में से कोई एक आगे होगा। ये तो बहुत बड़ा फसाद साबित होगा, ये बहुत बड़ा फसाद, मतलब चांस की उसी फसाद की बात। जहां तक इंदिरा गांधी का ताल्लुक है, देखिए उस फैमिली में भी अगर इंदिरा गांधी की बात करें आप, तो फिरोज खान से उसकी शादी हुई थी, वो फिरोज गांधी नहीं था, जो फिरोज गांधी कहा जाता है तो मुस्लिम, वो भी मुसलमान था लेकिन वो गांधी फैमिली का नहीं था, उसका नाम उन्होंने गांधी जरूर डाल दिया बाद में। और उसके बच्चे भी अगर आप पूरा फैमिली ट्री देखिए जो गांधी फैमिली का और इंदिरा गांधी के आसपास, उस फैमिली में मुसलमान हैं, और मुसलमानों के साथ रिलेशनशिप्स हैं इनके, कुछ ईसाई हो गए हैं, कुछ पारसी हो गए इसके अंदर जाके, कुछ हिंदू हो गए, कुछ अजीब सेकुलर अजीब गरीब किस्म की ये फैमिली निकली है। अब ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि आइंदा आने वाले वक्तों में इस फैमिली का कोई मर्द मुसलमान हो जाए, तो ये एक नेमतुल्लाह ने इसका जिक्र किया है, यू कैन एक्सपेक्ट दिस कि एक मेजर हिंदू जो है मुसलमान होगा। जब देखिए कि जब उस जमाने में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी बड़े बड़े कुफार के सरदार जब मुसलमान होना शुरू हुए, तो उससे बहुत बड़ा फर्क था, दैट वाज द बिगिनिंग यू नो। और इस बात की वजह से हमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हिंदुस्तान के भी बड़े बड़े हिंदुओं में से माजी में भी हो चुका है और आइंदा आने वाले वक्तों में भी कोई हिंदू बड़ा मुसलमान हो जाए, जो कि शश हर्फी हो बकाल की न परवर, जो मुसलमान हो जाए, तो अल्लाह नोज बेस्ट, बट वी विल सी। जहां तक इसका बात है,
कि आइंदा उसके बाद क्या होगा कि जब हिंदुस्तान के खिलाफ एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, यानी एक बगावत बर्पा होगी, एक शोरिश होगी, जिसके नतीजे में एक रेजिस्टेंस बिल्ड होगी, इसमें अब अगेन अगर आप पिछली फॉरेन पॉलिसी के उन एलिमेंट्स को सामने रखिए कि जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान जो मगरबी पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो चाइना के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ और ग्रेटर मिडल ईस्ट के साथ एक मिलिट्री अलायंसेस बना चुके होंगे, तो कॉमन सेंस भी यही कहती है कि हिंदुस्तान के साथ आने वाली जंग में इनका रोल होगा। बिल्कुल। और ये बात नेमतुल्ला हैरतअंगेज तौर पर अपने दो शेरों में बयान करते हैं। कहते हैं यज्जा शवन उस्मान, हम चीनिया व ईरान एक जगह हो जाएंगे, टर्क्स चाइनीज एंड ईरानियंस, एक ये दिल भी यूनाइटेड फ्रंट, और ये सब मिलकर हिंदुस्तान को गाजियाना फतह करेंगे। दूसरा शेर क्या कहता है, एक जगह पे होंगे अफगान, हम दक्कनिया दक्कन वाले और ईरान वाले, अफगान दक्कन वाले और ईरान वाले, और ये मिलकर हिंदुस्तान को गाजियाना फतह करेंगे। देखिए बुनियादी तौर पर जो बात की जा रही है कि चाइनीज एक वो सपोर्ट होगी, टर्क्स होंगे, ईरानियंस होंगे, अफगान्स होंगे, इंडिया के अपने मुसलमान होंगे जो नीचे शामिल होंगे, चारों तरफ से, और उससे पहले कह चुके हैं कि शाह गर्बी जो होगा, जो मगरबी पाकिस्तान की बात पहले कर, तो बेसिकली क्यादत यहाँ पर सेंट्रल जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान के मुसलमानों की होगी, सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे, और हमें चारों तरफ से, चाहे वो हैदराबाद दक्कन के मुसलमान हो, हम अपने ब्रास टैक्स के प्रोग्राम में भी जब अपने प्रोग्राम करते हैं तो हमें पूरे हिंदुस्तान से, बल्कि पूरे इस सब कॉन्टिनेंट से हमें ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं, और बहुत बड़ी तादाद में हमें जो सपोर्ट और हमारे जो हमें मदद आती है वो पूरे हिंदुस्तान से फैली हुई है, लेकिन दक्कन के मुसलमानों की तरफ से बड़ी एक्टिवेशन है। दैट्स इंटरेस्टिंग। और इंडियंस को ये बात मालूम है, इसलिए कि आपको याद होगा कि जब मुंबई ड्रामा हुआ था तो उसमें इंडियन इंटेलिजेंस ने जान के दक्कन के मुसलमानों को एक्यूज किया था कि दे आर इन्वॉल्व इन मुंबई ड्रामा ऑल्सो, दक्कन मुजाहिदीन का नाम लिया गया था उस वक्त, और इंडियंस को मालूम है ये बात कि हैदराबाद दक्कन के मुसलमान सपोर्ट वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, उनको मालूम है, और हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी मूवमेंट्स इस वक्त काम कर रही हैं कि जो गजवा हिंद की हदीस पर सीरियसली बिलीव करती हैं, ऑर्गेनाइज कर रही हैं, अपने आप को तैयार रखे हुए हैं, और इस बात की मंतजर हैं कि जब मगरबी पाकिस्तान से, जब पूरी मुसलमान दुनिया हिंदुस्तान के साथ तसादुम करेगी आके, तो ये फिर जाहिर है ये मुसलमान सादत में पीछे नहीं रहेंगे, पूरे हिंदुस्तान में इस बात को उठ खड़े होंगे हिंदुस्तान की फेडरेशन के खिलाफ, उनको डिमोरलाइज करने की, इंडियंस को मालूम है ये बात अच्छी तरह, इसीलिए मुसलमानों की जिस तरह प्रोसिक्यूशन पूरे इंडिया में की जा रही है, लोग कहेंगे कि साहब ऐसी बात करके आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि जब हम ऐसी बात नहीं भी कर रहे हैं तब भी मुश्किलात खड़ी हैं, बिकॉज़ द फैक्ट इज वो जानते हैं इस बात को, इंडियंस को भी ये बात अच्छी तरह मालूम है कि ये बिलीफ सिस्टम है मुसलमानों का, ये मुसलमानों का एक अकीदा है, हमसे ज्यादा समझदार हैं उनके हिंदू ब्राह्मण कि जो जानते हैं कि मुसलमानों के अकीदे और बिलीफ में क्या लिखा हुआ है, जिस तरह यहूदियों के बारे में कुरान कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, उसके बावजूद मुखालफत भी करते हैं, फसाद भी करते हैं, तो इसी तरीके से ये लोग बेवकूफ नहीं है, इन लोगों के पास भी बड़ी ताकतें और कुवतें होती हैं, जिस तरह फिरौन को बता दिया था मूसा अलैहिस्सलाम के आने के बारे में पहले, इस तरह इन हिंदुओं और इन यहूदियों को भी पता है, इन इस ज़ायनिस्ट को, चाहे दोनों तरफ जो बैठे हुए, यहां ब्राह्मण बैठा हुआ है, यहां पे ज्यूश ज़ायनिस्ट बैठे हुए हैं, उनको भी मालूम है कि मुसलमानों की प्रेडिक्शंस क्या हैं, हमसे ज्यादा हमारे दीन को पढ़ते हैं ये, और इसके मुताबिक ही रिस्पॉन्स देते हैं, उनकी हार लिखी है, सो दे आर मोर कंसर्न्ड। तो अब ये जो नेमतुल्ला शाह वली दो शेरों में इसको बताते हैं कि चाइनीज से लेकर ईरान, टर्क्स और उसके बाद इंडिया के अंडर द बैनर लीडरशिप ऑफ सुल्तान गर्बी, यानी मगरिब का जो सुल्तान होगा उसकी कैदर के साथ मिलकर ये काम करेंगे, एंड दे विल रिकैप्चर इंडिया। अब देखिए अगेन, अगर ये बात हदीस शरीफ के खिलाफ हो तो हम इसको रिजेक्ट कर दें, लेकिन मुबारका में एग्जैक्टली यही बिशारत दी गई है गजवा हिंद के हवाले से, और फरमाया गया है जिसको अफजल शोदा, इसके शोदा को और उसके गाजियों को अफजल गाजी कहा गया है, एक इतना हैरत अंगेज रिलेशनशिप बिल्ड होता है, हदीस शरीफ की तस्दीक होती है इस फकीर के विजन से कि जिसने आने वाले दौर की तब को ये बताया कि हिंदुस्तान के मुसलमान किस तरह, यानी इस खित्ते के मुसलमान किस तरह रीऑर्गेनाइज करके, लेकिन बात पाकिस्तान पर महदूद नहीं है, क्यादत हमारी है, राइट, लेकिन स्ट्रेटेजिक अलायंसेज हमारे पूरी मुसलमान दुनिया के साथ है कि जो मुसलमान आएंगे, फिर वो ये कहते हैं, देखिए, और उसमें ये कहते हैं कि ये हैरतअंगेज तौर पर, यानी जिसको कहते थे, इन्होंने लफ्ज रातों रात इस्तेमाल किया, लेकिन रातों रात एक्चुअली हो गए, इसको टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि आगे दूसरे जंग में वो ये कहते हैं कि मैं हक कह रहा हूं, मैं सच कहता हूं कि इस जंग में मुसलमान गलबा पाएंगे और हिंदुस्तान को गाजियाना फतह करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ भी यही है कि ये फौज जो हिंदुस्तान को फतह करेगी, हुजूर की हदीस के मुताबिक हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएगी, यानी ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सुल्तान तुगलक ने पृथ्वीराज को जंजीरों में जकड़ कर लेकर गए थे, उसी तरीके से आइंदा आने वाले दौर में भी हिंदुस्तान के जनरल, उनके हुक्मरान, उनके पॉलिटिशियन, हिस्ट्री विल बी रिपीटेड, क्योंकि ये अजीब बात नहीं है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर मिसाइल